अब ये देखो एडिशन वाला, एक बार खाली तुरंत देख लेंगे हम लोग। दूसरी किताब में कुछ और एग्जांपल्स है, इसीलिए इसको दिखा देते हैं तुम्हें। ये बाइनरी एडिशन टेबल है, ए बी, ए प्लस बी और कैरी। 0 प्लस 0 होगा 0, कैरी हो गया 0। 0 प्लस 1 हो गया 1, कैरी हो गया 0। 1 प्लस 0 हो गया 1, कैरी 0। 1 प्लस 1 हो गया 0, कैरी 1। तो एक एग्जांपल देख लें हम लोग इस तरह का। 0 0 1 0, 0 1 1 1, इनको हमें ऐड करना है, दो बाइनरी नंबर है। परफॉर्म द बाइनरी एडिशन ऑपरेशन ऑन द फॉलोइंग बाइनरी नंबर। तो देखो 0 प्लस 1 हो जाएगा 0, कैरी कुछ नहीं है। 1 प्लस 1 हो जाएगा 0, कैरी हो गया 1। फिर 1 प्लस 0 होगा तुम्हारा 1, और ये 1 1 हो गया 0, कैरी 1। और यहाँ का कैरी 1 और ये 2 0, ये मिलके हो जाएगा 1। और इसका डेसिमल वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा 2, और 0 ट्रिपल 1 का हो जाएगा 7, और इनका सम हो गया 9। यही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1001। हमारे एग्जांपल्स भी है, देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। परफॉर्म द बाइनरी एडिशन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। 1010010, 0100011। तुम लोग अपना माइक ऑफ कर दो, म्यूट कर लो, अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ, अब देखो द गिवन बाइनरी नंबर्स आर, ये हैं। अब इनको हम लोग लिख लेंगे बाइनरी नंबर्स को। 1010010, 0100011। अब देखो 0 प्लस 1 हो गया 1, कैरी 0 हो गया। 1 प्लस 1 हो गया 0, कैरी 1। और ये यहाँ पर 1, और दोनों 0 मिलके हो गया 1। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 हो गया 1, 1 प्लस 0 हो गया 1। और डेसिमल इक्विवेलेंट है 42, 42, 19, और इनका सम हो गया 61। तो 61 के लिए बाइनरी नंबर हो जाएगा दिस वन। फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास। जीरो 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 वन वन, 0 1 0, 1 0 0 0, 1 1 0 0, इनको ऐड करना है। देखो 0 प्लस 0 हो गया 0, 1 प्लस 0 हो गया 1, 0 प्लस 1 हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 0, कैरी 1, कैरी 1। और ये 1 और ये 0 मिलके हो जाएगा 0, कैरी 1। फिर कैरी 1, ये 0 0 मिलके हो गया 1। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, और डेसिमल वैल्यू 26, 140, इनको ऐड कर दिए तो 166। तो 166 के लिए बाइनरी नंबर, दिस वन इज द बाइनरी नंबर फॉर 166। अब क्या है, रूल्स फॉर एडिंग थ्री बाइनरी नंबर्स। अगर तीन बाइनरी नंबर हो, एक के नीचे एक लिख करके, तो उनको ऐड करने का रूल्स क्या है। देखो ए बी सी हो गया फर्स्ट बाइनरी नंबर, सेकंड थर्ड, और ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया कैरी। ठीक है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इनका सम हो जाएगा 0, कैरी हो गया 0। 0 प्लस 0 प्लस 1, सम हो गया 1, कैरी हो गया 0। 0 प्लस 1 प्लस 0, सम हो गया 1, कैरी हो गया 0। 0 प्लस 1 प्लस 1, सम हो गया 0, कैरी हो गया 1। 1 प्लस 0 प्लस 0, कैरी हो गया 1, सॉरी सम हो गया 1, कैरी हो गया 0। 1 प्लस 0 प्लस 1, कैरी, ये सम हो गया 0 एंड कैरी इज 1। 1 प्लस 1 प्लस 0, सम इज 0, कैरी इज 1। एंड 1 प्लस 1 प्लस 1, सम इज 1 एंड कैरी इज 1। तो इसी तरह से इसका भी हमारे पास एक एग्जांपल है, तीन तीन बाइनरी नंबर को ऐड करने का। देखो परफॉर्म द बाइनरी एडिशन ऑपरेशन ऑन द फॉलोइंग थ्री नंबर्स। 0010, 0001, 0111। तो इनको कॉलम वाइज हम लिखेंगे, 0010, 0001, 0111। अब ये देखो 011, तीन बाइनरी नंबर का सम हो जाता है 0 और कैरी हो जाता है 1। फिर 1101, तो इनका हो जाएगा सम हो जाएगा 1 और कैरी हो जाएगा 1। फिर 1 और ये तीन नंबर मिलकर के हो जाएगा तुम्हारा सम 0, कैरी 1। और नेक्स्ट 1 और ये 3 0 मिलकर हो गया 1। और डेसिमल वैल्यूज हैं इन बाइनरी नंबर्स की 2, 1 और 7, और इनको ऐड किए तो 10 हो गया। सो 1010 इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ
डेसिमल नंबर 10। एक और एग्जांपल है, उसको भी देख ही लें, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे। देखो 01010 00110 01111, इनको ऐड करना है तो कॉलम वाइज हम लोग इसको लिख लेंगे। 0 + 0 + 1 हो गया 1, कैरी 0, फिर 1 + 1 + 1 हो गया 1, कैरी 1, फिर 1 + 1 + 1 हो गया 1, कैरी 1, 1 + 1 + 0 + 1 ये मिला के हो जाता है 1 और कैरी 1, और 1 और ये 3 जीरो मिलके हो गया 1। एंड द डेसिमल वैल्यूज फॉर दिस बाइनरी नंबर्स आर 6, 10, 15, और इनका सम हो गया 31। सो 11111, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 31। अब हम लोग आ जाते हैं बाइनरी मल्टीप्लीकेशन पे। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स कैन बी कैरिड आउट इन द सेम मैनर एज द डेसिमल मल्टीप्लीकेशन। हाउएवर, अनलाइक डेसिमल मल्टीप्लीकेशन, ओनली टू वैल्यूज आर जनरेटेड एज द आउटकम ऑफ मल्टीप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग द मल्टीप्लीकेंट बिट बाई 0 or 1 इन द बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। दीज वैल्यूज आर आइदर 0 or 1। The binary multiplication can also be considered as repeated binary addition. तो जैसे हम लोग decimal में repeated addition करते हैं, multiplication का मतलब same concept यहाँ पर है। For instance, when we are multiplying 7 with 3, it simply means that we are adding 7 to itself 3 times, means 7 plus 7 plus 7. Therefore, the binary मल्टीप्लीकेशन इज परफॉर्म्ड इन कंजंक्शन विद द बाइनरी एडिशन ऑपरेशन। नाउ टेबल 7.3, ये टेबल 7.3 है, लिस्ट द रूल्स फॉर बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। ये रूल को देख के इसको याद कर लेना है, ए बी और ए मल्टीप्लाइड बी। 0 0 है, उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0, 0 and 1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 0, 1 and 0 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 0, 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 1। The above table clearly shows that binary multiplication does not involve the concept of carry. यानी carry का concept यहाँ पर नहीं है। To understand the concept of binary multiplication, let us consider the examples. कुछ example है, देखने से clear हो जाएगा। Perform the binary multiplication of the decimal numbers 12 and 10. 12 और 10 decimal number, उनका binary multiplication करना है। सबसे पहले हम लोग को 12 और 10 को convert करना पड़ेगा डेसिमल बाइनरी में। द इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 12 इज 1100। ये हम लोग कर लेंगे आसानी से, जैसे पहले किए थे। 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर्स आएंगे उनसे बनेगा बाइनरी नंबर। सिमिलरली द इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 10 इज 1010। अब इनको लिख लेंगे 1100 1010। फर्स्ट वन मल्टीप्लीकेंट हो गया, सेकंड इज योर मल्टीप्लायर। अब रूल फॉलो करेंगे, 0 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 0 × 1 = 0। फिर 1 से करेंगे, 1 × 0 = 0, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1। ये रो भी हो गया। फिर 0 से इनमें करेंगे तो ऑल 4 जीरो। नेक्स्ट 1 से करेंगे तो 0 0 1 1 0 0 1 1। अब इनको सम कर देना है तो 0 हो गया, 0 + 0 = 0, 0 + 0 + 0 = 0 हो गया, 0 + 1 + 0 + 0 हो गया 1, 1 + 0 + 0 हो गया 1, 0 + 1 हो गया 1, एंड दिस इज योर 1। तो ये हो गया हमारा बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ द बाइनरी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म्ड ऑन द डेसिमल नंबर्स 12 एंड 10 इज 1111000। ये तुम खुद से चेक कर सकते हो, 12 और 10 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 120, और 120 का बाइनरी इक्विवेलेंट, दिस वन विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 120। यू कैन चेक योरसेल्फ। एक और एग्जांपल हमारे पास है, देख लेंगे जल्दी से। इवैल्यूएट द बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ द डेसिमल नंबर्स 15 and 14। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर टू इट्स दिस डेसिमल नंबर टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। सो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15 इज 1111, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 14 इज 1110। उनको हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लीकेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई करिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में ऑल 0, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑल 1, सिमिलरली 1 से ऑल 1, 1 से एंड ऑल 1। इनको सम करना है, दिस इज 0, दिस इज 1, 1 + 1 0 हो गया हमारा यहाँ पर कैरी 1, फिर 1 + 1
जीरो, वन प्लस वन जीरो, अब ये मिलके जीरो हो गया, कैरी वन इधर चला गया। सिमिलरली इसको हम लोग ऐड करेंगे। ये जो स्टेप है ये के लिए तुमको रूल याद रखना पड़ेगा, जो समेशन वाला रूल है, तीन तीन बाइनरी नंबर के समेशन का रूल, बिना उसको याद किए ये नहीं होगा। तो इसलिए वो रूल को अपना याद करोगे, देन यू विल गेट 110 100 10। और ये क्या होगा, दिस विल बी द बाइनरी इक्वलेंट ऑफ 15 × 14। तो ये भी कर लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर पूछना मुझे। कुछ और एग्जांपल है, उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन है, देन वी विल सी बाइनरी डिवीजन। तो अभी के लिए इतना ही, अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो यहाँ पर।